और हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है। दरअसल यहाँ पर प्राचीन काल से कई ऐसे पवित्र स्थल हैं जहाँ लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। अब ऐसा ही एक पवित्र स्थल नूरपुर में स्थित है, जिसे गुप्त गंगा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस मंदिर में शिव के चरणों से गंगा बहती है। इस गंगा में प्राचीन काल से जल बहता रहा है, जिसे लोग अपने अपने घरों में लेकर जाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लोग इस मंदिर में पहुंचते हैं। लोगों का इस गुप्त गंगा शिव मंदिर पर अटूट विश्वास और आस्था है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी सच्चे मन से भावना से भगवान शिव की मनोकामना करता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं, और इसलिए यहाँ पर समय समय पर कई यज्ञ भंडारे भी करवाए जाते हैं। गुप्त गंगा शिव मंदिर में चाहे गर्मियां हो या फिर सर्दियां हो, पवित्र जल दिन रात बहता रहता है। गुप्त गंगा जो है प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पे गुप्त गंगा बहती है। मतलब जहाँ पानी हो या ना हो, यहाँ पे मतलब सदा पानी रहता है। यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती, चाहे भी गर्मियां हो सर्दियां हो, पानी इसमें हमेशा रहता है। तो कितना पुराना ये मंदिर है? ये सदियों पुराना है, हमारे माँ बाप का, इनके बुजुर्गों का, बुजुर्गों से परंपरा चलती आई है। ये इसमें एक ये खासियत है, यहाँ पे पानी खत्म नहीं होता कभी भी। मंदिर है, इसमें बड़ी शक्ति है, यहाँ जो भी मांगते हैं लोग पूरी मुरादें पूरी होती हैं। अभी भी थोड़े दिन के बाद फिर जागो रहा है, जो भी लोगों ने मांगा है वो पूरी श्रद्धा पूरी होती है। यहाँ एक पानी है, गंगा बहती है, ये पानी कभी भी नहीं सूखता, वहाँ पानी बहता रहता है और लोग इसकी बड़ी पूजा करते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं, लोगों की बड़ी मुरादें पूरी होती हैं। ये बड़ा पुराना अच्छी मंदिर है।